కనకాంబరం పార్క్ వచ్చే ఆప్ లోగ్ గడవాలి బోల్తే ఆ ये इतनी अच्छी कलाकारी यहाँ से बाहर निकली है। हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज वैसे आज मैं फर्स्ट टाइम किसी सब्सक्राइबर को मिलने जा रही हूँ, मतलब मिलने क्या जा रही हूँ, वो मुझसे मिलने के लिए आ रहे हैं। फिर उन्होंने बोला कि मैं आपको मतलब घुमाऊंगी इधर रामनगर की साइड, क्योंकि उनकी जो मदर है वो मेरे ब्लॉग्स देखती है। तो हम आज का ब्लॉग यहीं से स्टार्ट करते हैं, है ना। तो हेलो नमस्ते प्रणाम और पहला आप सभी को मेरा। तो होप आप लोग एकदम बढ़िया होंगे और मैं भी एकदम मस्त हूँ। और इतना सारा प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहूँगी मैं आप सभी को। तो चलो मिलाते हैं उनसे, मैं भी उनका इंतज़ार कर रही हूँ, ठीक है। तो हेलो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं मतलब किसी से मिलने वाली हूँ आज, तो मैं आपको उनसे मिलाती हूँ। ये देखो, ये है मेरे सब्सक्राइबर है जो बहुत पुराने हैं। और आप अपना परिचय दे दो एक बार। मेरा नाम शोभा बिष्ट है, ऑफिशियल नेम ही सुनीता बिष्ट। हाँ, और आज हम लोग जा रहे हैं मतलब मैम की मदर के घर में। वो भी मतलब व्लॉग देखती है, उनको अच्छे लगते हैं पहाड़ी जो व्लॉग बनाते हैं। तो आज हम बस उनसे मिलने जा रहे हैं अभी। तो कैसा लग रहा आपको? तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। मुझे भी लग ही नहीं रहा कि हम पहली बार मिल रहे हैं, ऐसे लगता है रोज ही देखते हैं व्लॉग। तो हाँ, व्लॉग देख के ऐसे ही होता है ना, व्लॉग देख के ऐसे लगता है कि हम आपको जानते हैं लेकिन आप हम लोग नहीं जानते हैं। ये तो है। तो अभी हम लोग घर पे पहुंचते हैं, फिर उसके बाद आप लोगों से बात करेंगे एकदम बैठ के, क्योंकि अभी मैम गाड़ी चला रही है इस टाइम पे, फिर अच्छा नहीं ना डिस्टर्ब करना। आप ड्राइविंग बहुत अच्छी करते हो। सही में कितने साल हो गए आपको? 20 साल ड्राइविंग करते करते। 20 साल पहले सीखी थी। अच्छा, मतलब मैं किसी लेडीज के साथ आज पहली बार बैठ रही हूँ जो मतलब ड्राइविंग कर रही है आज तक जितने देखे जेंट्स ही देखे। ना सारी ये वो तो नहीं कही, वो तो नहीं करेगा ना। ना 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 सर, ये पूनम कहाँ जा गई, इसको तो वही देख रहे थे। अरे ये बॉस मैन, धन्यवाद। कैसा लग रहा है? ये इसका नाम क्या है? लाली। अरे लाली, लाली है लाली। ये इतनी सी थी स्ट्रे डॉग, सड़क से उठा करके मैं लाई है। इसके साथ के तो एक को बाघ ले गया, काली थी वो। अरे इसकी बहन यहीं से बाघ। और 3 साल हो गए इनको, अब 4 साल लगेंगे। और 3 बार के तो बच्चे दे दिए इसने यहीं। अच्छा, बिल्कुल ऐसे थे स्ट्रे डॉग। मेरे बेटे ने बोला मम्मी मर जाएंगे इनको ले चले। दिवाली के धनतेरस का दिन था, हम ले आए इनको घर में। अरे क्या कहते हैं, तब से ये यही है, कहीं नहीं। फिर एक तो अभी 6-7 महीना पहले ये मगबाग ले गया वो मग। हाँ, गुलदार आते है ना, डरने लगती डर क्या होता है, अपना इलाका होता। ये सारे आपके? हाँ। बढ़िया, आपने फूल बड़े मस्त लगा रखे। वो क्यारी भी तो आपकी है ना, सब अब तो सूख गए। आज मैम ने मेरे को पकड़ लिया बस। बोल या ताई बोल, जो ना उन्हें हमर चल। अच्छा इतना अच्छा, पूरी बागों की देखरेख आपके हवाले। आओ घर घुमाते हम आपको, है ना। वैसे तो आप मेरी नानी ही बोलूंगी मैं आपको, है ना। बंगार के हुए आप, यहाँ सारा आम का बगीचा। आज वैसे ही पकड़ लिया, पहले मैंने भरोसा नहीं किया था, पूछो उनको। मम्मी से नंबर ही नहीं था। अरे मैंने बोला मैं तो 57 साल की हूँ, कहीं बना नहीं। नहीं, आईडी में थोड़ा डर सा लग जाता है ना, इंक्वायरी तो कोई भी कर लेता है। तब मैंने जब डिटेल से पूछा तब जाके बता, मैंने कहा चलो मैं कर लेती हूँ फोन, वरना पहले तो डर ही लग रही थी, क्योंकि अकाउंट भी तब वो हो रखा था, प्राइवेट था अकाउंट, तब दिक्कत होती है। वही तो खेलने के लिए। खेलने के लिए, अरे हमारे घर पे भी एक। अभी हम बगीचे में घूम रहे सी।
मछली मत्स्य पालन के लिए बिल्कुल। अच्छा इतने में पूरा बनेगा? तो यहाँ पे अभी देखो मच्छी पालन की तैयारी चल रही है, देखो पूरी खुदाई कर दी। बारी बारी से देते ना खाना माँ बेटी। तो अभी देखो मैं आपको नानी जी से मिलाती हूँ, मैं नानी जी बोलूंगी मैं है ना। तो ये है प्यारी सी नानी जी। तो बताइए जरा अपने बारे में, तुम तो याद आंच गाँव की बहुत किले ना देखना छो तुम लोग। हाँ देखना छो कल लगनो अभी बढ़िया बड़ा लगन नानी जी को सरप्राइज मिल गया यहाँ पे। अरे बोल पहले से बताते तो खातिरदारी करते तुम्हारी, बनाते खाना बना के रखते कुछ खिलाते। अरे नहीं घर के हुए अब तो हमारे इलाके के आप लोग है ना। पूरी बहुत बढ़िया बनाती है, खिलाते हुए नानी जी की बहुत तारीफ हो रही है यहाँ पे। किसी दिन मेरे को स्पेशल आना पड़ेगा आपके लिए, मैं अगली बार फिर बता रहूंगी। खीर मतलब कोई नहीं बना सकता, मुश्किल है ऐसा है सच में। मेरे हस्बैंड तो बोलते हैं अपनी माँ से तुमने कुछ नहीं सीखा। तारीफ हो रही है, तारीफ हो रही है। क्यों नहीं सीखा आपने अपनी माँ से? अब शुरू में सीखा ही नहीं था, अब धीरे धीरे एक्सपीरियंस से अब सीख रहे हैं। पर रोटी हमारे यहाँ भी आती है तो माँ ही बनाती है रोटी, मेरे को नहीं बनाने देती। हाँ इतनी पतली इतनी छोटी रोटी बनाती है ना, और मैं तो मोटी मोटी हाल कर रहा हूँ। सही है। तो यहाँ पे अभी मैं इनका मतलब घर देख रही थी, तो बहुत ही सुंदर है यहाँ पे जितनी भी पुरानी चीजें रखी हुई है। तो वही है कि जैसे नानी के आ जाओ ना पुरानी पुरानी चीजें देखने को मिलती है तो अच्छा लगता है। तो यहाँ पे भी सेम वही है, मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे कुछ चीजें। ये देखो ये तो किसने बनाई है? आपकी बहन ने ना। आज आपकी यादें संजोते हैं। ये देखो वो भाला है, वो कब का है? अच्छा यहाँ पे बहुत सी कलाकारी कर रही है, देखना यहाँ पे फोटो दिखाती हूँ आपको। ये देखो पुराने जमाने में ऐसी वाली फोटोज मिलती थी, और अब देखो कलेक्शन करके एक फ्रेम में चिपका रखी है। नानी जी ने पूरी मेहनत कर रही है यहाँ, पेंटिंग बड़ी मस्त मस्त है। ये अच्छा नानी जी यहाँ पे मेरी तैयारी कर रही है, इसको बैग दो वाले। मैं शिमला से लाई थी। तो अभी मेरी मतलब नानी जी की जो दो बेटियां और है उनसे ही बात हुई थी जो देहरादून रहती है। तो मैं आपसे क्लिप शेयर कर दूंगी, मैंने थोड़ा सा रिकॉर्ड किया वहां पे, आप उसको देख लेना ठीक है। और उनसे बात करके बहुत अच्छा लगा, अगर मैं देहरादून हल्द्वानी आऊंगी तो आप लोगों से जरूर मिलूंगी ठीक है। ये देखो मैं आज किन से मिली हूँ। आप लोगों को आती है? आप लोग गढ़वाली बोलते हो? हाँ भल लगनी तुम्हार की चल भी। एक गाना तान दी बोलू अब पहले इनते बताओ कहाँ छो तुम, इनते बताओ बताओ जरा। हम बंगाल छो कर का साल लगी कौन छोड़े कौन छोड़े हाँ बहुत साल हुई नंतर बटी साल 40-45 साल हुई भी 45 मैं बोली मेरे साथ चलो मैं वहाँ घुमाऊंगी, बंदर जाने को तैयार नहीं हो रहे हैं। जाने को तैयार नहीं, अभी कहाँ कैसे जाएंगे बंगाल एक बार, अभी जाना तो है थोड़ा। मैं भी बंगाल मिलेंगे फिर आपसे बंगाल वाले में ही। बंगाल का मैच देखी छाई? बंगाल मैच दिया छाई अरे वो तलसारी में खेलना चाह तुम लोग, मलसारी में जा तलसारी में चाह गांव के इधर नीचे को तरफ देख दे अच्छा दे अच्छा। एक गाना एक लाइन तो सुना, बेड़ पा को आन दो तुम पे, बेड़ पा को आन दो रही, बेड़ पा को क्या सुना दो ना आप भी सुनाओ। आप चलो बना लाते बेड़ पा को बारमासा, बेड़ पा को नरन कपल पाको चेता मेरी छेला। बस धन्यवाद आपका, बहुत अच्छा गाया भाई। तो चलो भाई अब हम यहाँ से निकल रहे हैं क्योंकि मिल तुम घंटा बोले मौसी की जेठा की लगी तुम हमारे खर्चो। हाँ तो मिल लियो खन मौसी बोले ना, तो अब हम जाना छो कखी और घूमना खड़ी बोल मैं है जगह दिखाने ठीक से, तो वखी मिलला तुम तय चला चलो चलो बाय बाय। यहाँ को बाय यहाँ को अभी करेंगे हम। ये देखो नानी जी के खेत के पपीते हम लोग बाजार से खरीद रहे हैं, यहाँ देखो इतने मस्त इतने मीठे मीठे हो रहे हैं, हमने खा भी दिए एक बार।
सारी पुराना पुराना कलेक्शन देख रहे हैं आज हम यहाँ पे इतना। ये मेरी ये चिट्ठी शिलोंग में रहते थे हम लोग, 97 की चिट्ठी। बाप रे, ये सब चिट्ठियां हैं, मतलब जब कलम से भी लिखते थे ना पिताजी, वो चिट्ठियां भी हैं इनमें। तो अभी मैं नानी जी के घर के ऊपर का सीन दिखाती हूँ आपको। यहाँ से व्यू बड़ा मस्त है क्योंकि यहाँ आम का पूरा बगीचा है, आम के, पपीते के, अमरूद का पेड़ भी है यहाँ। अभी हमने यहाँ पे इतना पुराना कलेक्शन देखा, इतना पुराना पूरी चिट्ठी विट्ठी का पूरा सीन जिसको बोलते हैं। अब यहाँ से आपको ऊपर का सीन दिखाते हैं ना। इस साइड क्या है? कोटद्वार। अच्छा, कोटद्वार वाला साइड है ये। ओ भगवान, नैनीताल बंद हो। हाँ, आग वाग लगी हुई ना। मिलेंगे फिर जल्दी। हाँ, तो अभी हम लोग मतलब नानी जी से मिल के आ चुके हैं। आप लोगों को गाना पसंद आ ही गया होगा, नानी जी का भी और मौसी का भी। तो अभी हम लोग जा रहे हैं छोई ना, कॉर्बेट फॉल के पास। तो बस अभी हम लोग पहुंच चुके हैं कॉर्बेट फॉल्स इको पार्क में। तो मैं अभी आपको यहाँ का गेट दिखाती हूँ, बड़ा मजेदार है ये देखो। तो चलो भाई, आज यहीं घुमाते हैं आपको। ये पेड़ देखना कैसा कर रखा है। चलो तो बस अभी हम यहाँ पार्क के अंदर पहुंच चुके हैं। अब यहाँ का सीन तो आपने देख लिया होगा। तो जो मौसी चूक भी पहलू पहले दिन चक, और म्यार भी पहलू ही पहलू दिन चक। बिसर गया बोला। रास्ता बिरड़ गया बोला। कक जान अब। वाह, आगे का सीन दिखाती मैं आपको। इतना सुंदर घना जंगल आए है। गांव में होता ना तो बच्चे इसमें वो खेलते, फिसलन पट्टी, कट्टे बिछा के। ओ भाई साहब, ये है वाटरफॉल। अब ऐसा लग रहा गांव में आ गए हम, गांव के किसी तप्पड़ में आ गए होंगे, जहां पेड़ ही पेड़, जंगल ही जंगल आए है। तो अभी आप लोगों ने फॉल देखा होगा कि कितना अच्छा लग रहा था ना वहाँ पे। तो अभी मुझे ऐसा एहसास नहीं हो रहा है कि मैं गांव से बाहर हूँ, क्योंकि यहाँ पे भी पूरा वही सीन लग रहा है। हम लोग जंगल में ही है। तो अभी मौसी बोलन मिलते हैं। तभी वो फोन आई उच्च घरम बटिक, तो बात करना छी, मेरे पिंपल्स इग्नोर करें, गर्मी है यहाँ बहुत, तो निकल गए हैं। तो अभी हम लोग मतलब पार्क से घूम के आ चुके हैं, वाटरफॉल तो आपने देख ही लिया होगा है ना। और अभी अभी मौसी ने एकदम नया वाला प्लान किया है कि हम लोग यहाँ से हाँ धूप से अपनी बहन को सरप्राइज देने का, हम सीधा जा रहे हैं अभी हल्द्वानी। अभी तो हमारी वीडियो कॉल पे बात हुई थी और हम सीधा हल्द्वानी जा रहे हैं। अब बोलेंगे अभी तो ये बात कर रहे थे मेरे से और अभी यहाँ पहुँच गए, तो बस अब सीधा वहीं मिलते हैं, उनको सरप्राइज देते हैं ना। हल्द्वानी का रिलायंस मार्ट है। तो अभी हम लोग हल्द्वानी पहुँच चुके हैं। तो अभी हम पहुंच चुके हैं बड़े अचानक अचानक वाले सीन में। ओह ओह, कुत्ते, सुल्तान, उनके डॉगी मेरे को अंदर ही नहीं आने दे रहे भाई। बाप रे, ऐसे सरप्राइज नहीं मिला। नमस्ते बेटा, बढ़िया। हम तो बस अभी खा पी के। अच्छा, आ जाओ आ जाओ।
और भाई देखना देखना और सुल्तान अभी थोड़ी देर पहले हमने कोई वीडियो कॉल में देखा था, अब हम इनके सामने हैं। आप तो बहुत कलाकार हो यार। तो जो वहाँ नानी की पेंटिंग है वो भी इसने बना रखी है। अच्छा हाँ बहुत बढ़िया। तो ये स्विट्जरलैंड से लाए थे। दारू के कवर का भी ऐसा सीन हो सकता है, देखो यहाँ देखो। तो अभी हमने जिन दीदी को मौसी को सरप्राइज दिया था, तो अभी हम उनके घर पे हैं और मैं उनकी कलाकारी दिखाती हूँ अभी आपको। हाँ क्योंकि हम लोग अचानक से आ गए थे तो वो हमारे लिए थोड़ा खाने का इंतजाम कर रहे हैं। मैं आपको यहाँ दिखाती हूँ, जो उन्होंने पेंटिंग वहाँ दिखाई थी वो भी इन्हीं मौसी ने करी थी, और अब यहाँ के दिखाती हूँ। कलाकारी है इन्होंने यहाँ पे, मतलब इतनी अच्छी गार्डनिंग कर रखी है, मतलब घर पे ही गमले वमले जो सजा रखे, तभी हम लोग ऐसे घूम रहे ऊपर, मजा आ रही है। ये वाला भी होम स्टे है ना? अच्छा तो यहाँ होम स्टे के लिए रूम भी है, अगर कोई आना चाहे तो आ सकता है ना। और ये भी है एक रूम होम स्टे के लिए। और ये भी है होम स्टे में, ये भी मिलेगा। टाइम पास हो गया। किचन भी होम स्टे में, सब कुछ है किचन में। ये लोग आते हैं पूरी चाय बना लेते हैं। अच्छा आराम से सब। तो होम स्टे में यहाँ पे पूरी फैसिलिटीज है भाई। हाँ जैसे ऊपर ये आपने बना रखा है। हाँ। एक मिनट दिखाती हूँ। ये इतनी अच्छी कलाकारी यहाँ से बाहर निकली है। कैसा लग रहा आपको? बहुत अच्छा, मजा आ रहा। मजा आ रहा है। अभी थोड़ी देर पहले हमने वीडियो कॉल पे बात करी थी और हाँ। अभी डायरेक्ट यहाँ पे आ गए हम लोग और यहाँ सरप्राइज देने वाले ये थे। और मैं घर पे कुछ और कलाकारियाँ दिखाती हूँ जो कि दारू की बोतल पे करी गई है। ये सारी दारू की बोतल है, मांगना मत कोई, पर खाली है क्योंकि ये, और इस पे कलाकारी करी हुई है। अब बताओ इसके बारे में। ये प्लेट हमने बंजारा मार्केट से ली थी गुड़गांव से, और इसको वॉल हैंगिंग के रूप में लगाया जाता है। इसके पीछे ये मैंने बनाया है वायर से। अच्छा अब इसको टांग देंगे हम दीवार में। बहुत बढ़िया लग रहा है वो, ऐसे जो मैंने ऊपर भी दिखाए थे वहाँ पे भी लगे हुए। तो ये है कलाकार हमारे साथ जो कि हमारे साइड के बंगार गांव के। और बताइए जरा अपने बारे में कुछ। क्या करता है? सरिता हल्द्वानी में रहती हूँ पर हूँ बंगार की। और ये बड़ी दीदी है और ये बड़ी बहन। अब छोटी बहन है, सबसे छोटी बहन से मिलना बाकी है ना। वो देहरादून काशीपुर में रहते हैं, हम सब बंगार के हैं। और पूनम भी मैं पड़ोसी इनकी, हम इसके फैन है। आप भी सब चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। अरे धन्यवाद यार, ये बिटिया सारा आशीर्वाद इसको गाँव दिलाती है। गाँव का माहौल कैसा है, कितनी मुश्किल परिस्थितियों में लोग रहते हैं, वो सब दिखा रही है, देखने को मिलता है तो अच्छा लगता है। और अपने बारे में कुछ बताओ। बारे में क्या क्या करते हो आप, क्या इस कलाकारी के अलावा और क्या क्या करते हो? बस हम घर में ही हैं, अपने दो कुत्तों के साथ, छोटा सा घर है, इसी में बिजी रहते हैं। रिटायरमेंट के बाद आ गए हल्द्वानी। और गांव जाना प्लान है जी? हाँ बंगार ज्वाला। हाँ बिल्कुल जरूर आना। पहचान से बिल्कुल। चलो हम आपका इंतजार करेंगे गांव में, ठीक है? मैं इंतजार करूंगी आपका, ठीक है? चलो फिर अब हम भी, क्योंकि हम यहां से निकलेंगे तब। चलो बाय बाय। यही बाय बाय। ये है और वहां देखो क्या पोजर बना हुआ है। सुल्तान चल भी था। चलो डंडा लाओ, डंडा चलो डंडा। अच्छा ये भी पहाड़ी समझते हैं। सुल्तान चल भीतर वल। हाँ, चल भीतर।
आम्रपाली है इसका नाम, आम्रपाली। Tell me. तो अभी हम इन वाली मौसी के घर जा रखे हैं और इनका घर बड़ा मस्त है। मुझे पसंद आ गया है यहाँ, यहाँ की जगह बहुत अच्छी है। मैं भी दिखाती हूँ यहाँ की लोकेशन। ये देखो ये रहा। तो होप आप सभी ने व्लॉग देख लिया होगा, क्योंकि आने के बाद मैं शूट नहीं कर पाया, क्योंकि सभी को पता है, मतलब जिनको लोगों ने मेरे व्लॉग सारे देखे होंगे उन सबको पता होगा मुझे मतलब ट्रैवलिंग से बहुत दिक्कत होती है। और वैसा ही उस दिन, मतलब उस दिन पूरा दिन हम घूमे ही थे तो मैं नहीं कर पाई थी घर आके, मैं चित्त पड़ गई थी एकदम। तो मैं आपको बता दूं, मुझे वहां से कुछ गिफ्ट्स भी मिले थे, तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहूंगी मौसी को, उनकी बहन को, मतलब छोटी वाली मौसी को और नानी को, जिन्होंने मतलब इतना प्यार भी दिया और मतलब मुझे गिफ्ट्स भी दिए। तो जब मौसी घर पे आई थी तो उन्होंने मतलब, वो मुझे पिक करने आए थे, तो उन्होंने मुझे ये एक सूट का कपड़ा है तो वो मेरे लेके आई थी, और मतलब बहुत अच्छा लगा था। और इसके साथ उन्होंने मुझे मास्क भी दिया था, और मामी के लिए भी वो कड़े लेके आई थी। फिर जब हम नानी के आ गए तो नानी ने भी मुझे मतलब एक बैग दिया था, वो आप लोगों ने देख लिया होगा। वो अभी मेरे पास नहीं है, क्योंकि मैंने ना मौसी मतलब मेरी मौसी घर गई, तो मैंने उनके पास घर वालों के लिए कुछ सामान भिजवाया था, तो मैंने वही थैले में दे बोला था कि इसी में पैक कर देना। उसके बाद फिर नानी ने मुझे, आप यकीन नहीं मानोगे, नानी ने मुझे टीका लगाया था। मतलब होता ना कि पहले पहले कब जब हम किसी के घर जाते तो हमें टीका लगाते हैं, बचपन में अच्छा लगता था पर बड़े होके थोड़ा अजीब सा लगता है। नानी इतनी टेस्टी लस्सी बनाती है ना भाई, मतलब बहुत ही अच्छी लस्सी, मतलब मैंने फर्स्ट टाइम पी होगी पर मुझे बहुत अच्छी लगी थी। तो नानी जी आपको बहुत सारा प्यार और धन्यवाद। तो उसके बाद हम मौसी को जो सरप्राइज देने गए थे, तो मौसी ने मुझे कुछ ड्राई फ्रूट्स दिए हैं और उन्होंने मुझे टीका लगाया है, और बहुत सारा प्यार भी दिया था, बहुत सारा अच्छा अच्छा खाने को भी दिया था। तो मैं थैंक यू बोलना चाहूँ कि आप मतलब मेरे ब्लॉग को देखते हो और मुझे इतना प्यार और सपोर्ट करते हो, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मेरा मतलब मेरा पहला एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था सब्सक्राइबर से मिलने का, और मतलब वो लोग इतने डाउन टू अर्थ है, तो मुझे उनके साथ घूम के, उनके साथ पूरा दिन स्पेंड करके बहुत ही अच्छा लगा। जब मैं मौसी के, जो मौसी मुझे लेने आई थी, जिन्होंने मुझसे बात बात करी थी सुबह मौसी, तो जब मैं उनके घर पे गई थी तो उनका एक नाती है 3 साल का है, वो इतनी फ्लुएंट इंग्लिश बोलता है ना भाई, मतलब उसका एक्सेंट इतना प्यारा है, और मतलब मैं भी चाहती हूँ मेरा भी ऐसा हो, क्योंकि हम जो पहाड़ी लोग हैं ना, इंग्लिश बोलने में बहुत शर्माते हैं, मतलब इतना हेजिटेट क्यों होते हैं मुझे भी नहीं पता, क्योंकि हम लोग के फ्लो में नहीं बैठता है वो। टाइप करने में तो हम लोग फटाफट से टाइप कर देंगे, बट बोलने में शायद नहीं हो पाता है, ऐसी मेरे साथ भी था। बट वो बच्चा आया है, इतना क्यूट सा बच्चा था वो। और जब मैं सुबह मौसी के घर गई थी ना, तो मतलब जब हम उनकी बहन के घर गए थे हल्द्वानी, तो वहाँ मैंने, जब उन्होंने हमारे मतलब लंच लगाया था, तो वहाँ पे उन्होंने अचार भी रखा था और वो बहुत टेस्टी हो रहा। तो जो हल्द्वानी वाली मौसी थी, उन्होंने बताया कि बड़ी दीदी ने बनाया, तो जब मैं उनके घर गई थी, उन्होंने मुझे देखो ये भी दिए, ये हमने आधा खा लिया है। तो ये है आम का अचार और ये है नींबू का अचार, सेम ऐसा ही बॉक्स मैंने अपने घर पहुँचाया है। तो और ये बहुत टेस्टी है, सच बोल रही, बहुत टेस्टी है। तो थैंक यू सो मच आप सभी का मुझे इतना सारा प्यार देने के लिए और सपोर्ट करने के लिए। आप लोगों के जीवन में बहुत सारी खुशियाँ आए, बस खुशियाँ ही खुशियाँ बने। होप आपको ये ब्लॉग पसंद आएगा, तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना मेरे चैनल को, ठीक है। तब मिलेंगे फिर अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।